आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा मेरे नए वीडियो में। एंड आज आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे पीछे कौन खड़ा है। फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप फॉल 2021 के चैंपियन टीम लीड। मतलब इतना सारी खुशी बहुत क्या खेला है यार इन लोगों ने। मतलब अपने सिर के ऊपर अगर तकदीर बदलना होता है ना तो इनसे कोई सीखे, क्योंकि 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, हर टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचते हैं, बट हर बार कुछ ना कुछ पॉइंट से पीछे छूट जाते हैं, एक आध पॉइंट से पीछे रह जाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, बट इस बार फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ही दिया। जो भी टीम लीड के फैंस यहाँ पे आए हैं हमारे मेरे वीडियो पे, फॉर श्योर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें बिना जाना नहीं। एंड ऑब्वियसली कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था कल का, क्योंकि आई थिंक मैं वो मोमेंट आपको दिखाने वाला, वो मिलियन डॉलर मोमेंट जो कल किलर ने किया एंड कैसे हुआ और क्यों हुआ वो भी दिखा देता मैं आप लोगों को, ताकि ना आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए, क्योंकि मैं मेरा एनालिस पर्सपेक्टिव रखूंगा यहाँ पे आपके आप लोगों के सामने। एंड एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करने वाला हूँ, आप भी एंजॉय करो। ये है वो मोमेंट, मतलब अभी आप इस सिचुएशन में देखिए, गेम के 16वें मिनट के मार्क पे आ चुके हैं, छठा सर्कल चल रहा है, किलर अकेला बचा है, बाकी सब आइकॉनिक आरडीपी पहाड़ी फिनिश्ड ऑफ हो चुके हैं। किलर के पास 5 किल अभी भी है, मतलब किलर ने कल वो मैच में, मतलब अपने शायद से अभी तक उसने जितने भी मैचेस में अपना बेस्ट दिया हो ना, अपनी जिंदगी का बेस्ट फ्री फायर खेल के चला गया कल वो मैच में, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ वो मैच में किलर ने अपनी जिंदगी का बेस्ट फ्री फायर खेला है। आप देखो यहाँ पे ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स खड़ी हुई है, तो वो आगे नहीं जा सकता, आगे जाएगा तो यहाँ पे ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स वाले उसको मारने वाले हैं, उसके पास यहाँ पे कोई ग्लू वॉल भी बचा नहीं है, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा यू नो यहाँ पे उसने हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क निकाला है, एंड जिस वजह से ये मैच को वो लोग जीत पाए हैं। ठीक है, अभी राइट हैंड साइड पे भी देखना, यहाँ पे टीम नंबर 4 जो कि हमारे डीजी की टीम, जिन्होंने एक्चुअली बुया निकाला आखिर के मैच में, तो वो टीम वहाँ पे खड़ी हुई है, एंड चारों के चारों प्लेयर जिंदा है। हर्ष देखो यहाँ पे एकदम इसके साइड पे ही खड़ा है, अगर गलती से भी एक नेट गिर जाता है इस सिचुएशन में तो खेल खत्म हो सकता था, बट जो डिफरेंस क्रिएट करके गया है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट, ठीक है एक पॉइंट से जीते ये लोग। अभी मोमेंट यहाँ पे किलर हील कर रहा है, क्योंकि उसको थोड़ा सा ब्लाइंड के प्लेयर्स से डैमेज पड़ा है, तो अभी देखो ब्लाइंड के प्लेयर्स को निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिरी सर्कल है, इसके बाद कोई सर्कल तो बनेगा नहीं, श्रिंकिंग करना चालू करके ओपन में जाके फाइट करना ही है। ब्लाइंड के बबलू और अभय, उनको पता है कि किलर यहाँ पे मौजूद है, देसी गेमर्स के प्लेयर्स को भी पता है कि यहाँ पे एक प्लेयर मौजूद है, वो टीम एलीट का था, वो शायद उनको पता नहीं होगा, बट टीम प्लेयर एक मौजूद है इतना उनको जरूर से पता था। तो अभी ये देखिए यहाँ पे किलर डैमेज ना शुरू करते हैं, 5 फर्स्ट एड्स है, सो स्मार्ट, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना कितना जरूरी होता है ये आपको ये देख के पता लग जाता है कि हील करे जा रहा है, चुपचाप हील करे जा रहा है। अभी देखिए अभय अभी भी जोन में खड़ा है, अभी एक प्री फायर आता है, एंड यहाँ पे देसी गेमर्स के साथ फाइट लेना शुरू हो गया। किलर देखिए वहाँ पे दोनों प्लेयर्स को अपने M40 से खत्म करके जाता है, अभय और बबलू को, मतलब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा प्रिसिशन लगा होगा उस बंदे को, 2 फिनिश पॉइंट निकाला क्योंकि ब्लाइंड स्पोर्ट्स को एलिमिनेट किया एंड खुद वो जोन से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक पोजीशन ऊपर भी आ गए और वहां पे 2 फिनिश पॉइंट भी निकाल लिया, मतलब उस छोटे से सेकंड के अंदर उसने 2 पॉइंट निकाल लिया किल्स के और पोजीशन का एक और हायर पॉइंट ऊपर चला गया। आई थिंक भूया के लिए 12 पॉइंट मिलता है और सेकंड पोजीशन में आने के लिए उनको मिलता है 9 पॉइंट, तो समझ सकते हो क्या डिफरेंस क्रिएट कर दिया बंदे ने, मतलब लाइक लिटरली दिस वॉज द यू नो मिलियन डॉलर मोमेंट, जो मेरे हिसाब से लगा कि गेम को किसी ने अगर घुमाया है वो यही मोमेंट था एंड किलर ने किया था, सो हैट्स ऑफ टू दैट गाय। एंड कल जॉन्टी भाई से बातचीत हो रही थी, जॉन्टी भाई ने मैसेज में बोला कि किलर तो गॉड है, सो एक्चुअली यार छोटा पैकेट बड़ा धमाका उसको मैंने टैगलाइन दिया था, तो क्या मजा आया कल गेम देखे एक्चुअली। एंड फ्री फायर इंडिया चैंपियन 2021 फॉल अगर जीतना कोई डिजर्व करता है तो वो टीम एलीट है, इस मैच के बाद तो वही है और कोई नहीं, बट हाँ पीवीएस को भी, पीवीएस के लिए भी थोड़े से हार्ड स्पैम कर देना गाइस, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, एक ही पॉइंट से वो भी हारे हैं बट उन्होंने दिल जरूर से जीता है। हालांकि अभी स्नैपड्रैगन कॉन्क्वेस्ट का फाइनल्स आ रहा है यही वीकेंड को, तो ये जरूर से मिस आउट मत करना, वहां पे भी आ जाना, मैं और ब्लैकबियर्ड एंड मुनीश तो होंगे आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। टिल देन सी यू गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।